दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, YouTube चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो टेक्निकल वीडियो नहीं है, नॉन टेक्निकल वीडियो है। और वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें तो उसके क्या बेनिफिट हैं। तो दोस्तों, उसके लिए जैसे आप चाहे ऑफिस में हैं, आप अपनी फाइलों को कैसे रखते हैं, आप अपना वर्कशॉप में हैं, अपने टूल्स को कैसे रखते हैं, कंपोनेंट को कैसे रखते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने बुक्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं या घर पे रहते हैं तो आप अपने किचन में बर्तन को कैसे रखते हैं, अगर आप उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, और आप उसने फाइलों को या टूल्स को अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप उसको रखते हैं तो उसका क्या ड्रॉबैक है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि 1 से लेकर 25 तक मैंने काउंटिंग लिखी है। पहले मैं 15 सेकंड आप लोगों को दूंगा जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने वो काउंटिंग लिखी हुई है और जिसके अंदर चार जो नंबर्स हैं वो मिसिंग हैं, और 15 सेकंड का टाइम आप लोगों को मिलेगा। 15 सेकंड के अंदर आप लोगों को वो चार नंबर्स को ढूंढना है अनऑर्गेनाइज्ड वे में। उसके बाद मैं 15 सेकंड दोबारा दूंगा आपको जिसके अंदर मैंने उन नंबर्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको राइट डाउन करके दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको 15 सेकंड मिलेंगी, उसमें 15 सेकंड के अंदर भी आपने उन्हीं चार जो मिसिंग नंबर्स हैं उसको ढूंढना है। तो उससे हम पता लगाएंगे कि हमारे को ऑर्गेनाइज वे में रहने से और अनऑर्गेनाइज वे में रहने से क्या बेनिफिट है। दोस्तों, तो दोस्तों, अनऑर्गेनाइज्ड में मैंने आपको 15 सेकंड दिए, उसमें से चार नंबर्स आपको ढूंढने थे, शायद कोई व्यूवर उसको ढूंढ नहीं पाया होगा 15 सेकंड के अंदर। और अब मैंने 15 सेकंड ऑर्गेनाइज्ड वे के दिए तो मुझे लगता है कि लगभग सभी व्यूवर्स ने 15 सेकंड के अंदर जो चार नंबर मिसिंग थे वो ढूंढ दिए होंगे। ये बेनिफिट ऑर्गेनाइज्ड वे का है, और जितने भी बेनिफिट हैं मैं आपको समझाऊंगा। ये ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने अपने ये नंबर्स यहाँ अरेंज किए हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। तो तुरंत आपको पता लगेगा कि 7 से पहले 6 मिसिंग है, 10 से पहले आपका 9 मिसिंग है, 13 से पहले 12 मिसिंग है, 22 से पहले 21 मिसिंग है। इसको 10 सेकंड से भी कम समय में आप इनको पता लगा सकते हैं कि कौन से मिसिंग है। ये आपकी फाइलें हो सकती हैं, ये आपकी बुक्स हो सकती हैं, ये आपके टूल हो सकते हैं, कोई कंपोनेंट हो सकते हैं, या अगर आप कोई भी काम करते हैं डॉक्टर के पैसे में, किसी भी पैसे में, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी आपका कंपोनेंट अगर मिसिंग है तो आपको तुरंत उसको पता लगेगा कि मेरा कौन सा जो है कंपोनेंट या टूल या मेरी फाइल मिसिंग है, और आपको तुरंत उसका पता लग जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे से हमारा जो है काफ़ी बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट यहाँ पे मैं राइट डाउन करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट हैं अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, या आप अपने वर्कशॉप में या आपके जहाँ भी काम करते हैं ऑफिस में आप ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें रखते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, मैं यहाँ पर राइट डाउन करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मेरी नॉलेज में जो बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना जीवन करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो मुझे लगता है कि टाइम सेविंग का रहेगा, कि हमारा जो है टाइम की सेविंग होती है। जिस फाइल को ढूंढने में या कंपोनेंट को या टूल को ढूंढने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है, फाइल के केस में तो घंटों लग जाते हैं, अगर आपके पास काफ़ी सारी फाइलें हैं और वो एक मिनट में हमारे को फाइल मिल जाए तो लगभग पूरा घंटा हमारा जो है सेव हो जाता है। और हमारी जो टाइम सेविंग होती है उससे हमारा क्या बेनिफिट रहेगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ का, जो भी आप काम करते हैं, आप रिपेयरिंग करते हैं तो आप ज़्यादा रिपेयरिंग कर सकते हैं, आपका अप्लाइंसेज ज़्यादा रिपेयर कर सकते हैं, फाइल का काम करते हैं तो ज़्यादा फाइलों को आप उसको कर सकते हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी क्योंकि आपका टाइम जो है सेव होता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे जीवन के लिए वो क्या है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है इससे। अगर आपका कोई काम अधूरा रह जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपके दिमाग पे दबाव कम होता है, तो आप खुश रह सकते हैं, आप हैप्पी रहेंगे, हैप्पीनेस को ये जो है हमारे को प्रोवाइड करवा देगा। ये छोटा सा ऑर्गेनाइज्ड वे का जो तरीका है इससे हम खुश रहना स्टार्ट कर देंगे।
अगर आप ऑफिस में खुश नहीं हैं, अगर आपको बॉस ने उसको डांट दिया, आपको फाइल नहीं मिली, तो इस तरीके से क्या है, आप घर पे भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में हैं तो आपका स्ट्रेस जो है रिड्यूस रहेगा। चौथा पॉइंट क्या रहेगा कि आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, आपकी इंक्रीज इनकम, क्योंकि आपकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका इनकम। तो दोस्तों ये मैंने कुछ चार पॉइंट बनाए हैं, आप पांच पॉइंट भी बना सकते हैं, आपको इससे और ज़्यादा भी बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन बेसिक जो पॉइंट हैं वो चार मेरे को समझ में आए हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ बेनिफिट हो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहने से तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और ताकि दूसरे लोगों को, दूसरे व्यूवर को भी पता लगे कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेंगे तो हमारे को क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।